अभी रात के 1:30 बजे हैं। मैं थोड़ी देर पहले शाहीन बाग से आई हूँ। अभी सोने से पहले मैंने गलती से एक वीडियो देख लिया, गुंजा कपूर जी का वीडियो। आप उस वीडियो में उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं, इतना नफरत, इतनी झूठ भरी बातें, इतनी गलत बातें। रेफरेंस दे करके शाहीन बाग में जाने की जरूरत है? कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। दिल से आप सॉलिडारिटी के लिए जा रहे, यू वॉन्ट टू शो अप फॉर यूनाइटेड इंडिया, कोई भी जा सकता है। हाँ, ऑफकोर्स एक बेसिक चेकिंग होती है, आप बैग्स ला रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उस पर एक चेकिंग होती है। वो जो मॉल में चेकिंग होती है ना, कि कोई गलत सामान तो लेकर के किसी को हार्म करने तो नहीं पहुंच गया। मॉल में, मूवी थिएटर में जो चेकिंग होती है ना, वो बेसिक चेकिंग हो रही है वहां पर, और कुछ नहीं है। कोई भी जा सकता है। शाहीन बाग भारत में है, हम भारत के लोग शाहीन बाग में जा सकते हैं। और नारे, आप क्या जिन्ना वाली आजादी और भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गलत गलत बातें बोल रहे हैं आप लोग? वहां पे नारे ये लगते हैं, आवाज दो हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अभी जब मैं वहां थी ना, अभी रात को 12 बजे, वहां पे गाना चल रहा था माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, जो एआर रहमान का वर्जन था, माँ तुझे सलाम वंदे मातरम, वो गाना चल रहा था। गुंजा कपूर जी, क्या झूठे बातें कर रही हैं आप? कैसे लोग हैं आप लोग? कितने घिनौने लोग हैं आप लोग? कितने घिनौने लोग हैं आप लोग? जो इनक्रेडिबल इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, खूबसूरत इंडिया है ना, वो सड़कों पे है। शाहीन बाग में खूबसूरत इंडिया है। आप लोग के जैसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग, हिंसक घिनौने लोग आप लोग बाहर हैं। शाहीन बाग में जो जा रहे हैं ना, वो अच्छे लोग हैं। आप अच्छी नहीं है गुंजा कपूर जी, आप अच्छी नहीं है।